ब्लैकी ये लो तुम्हारा खाना आ गया। ब्लैकी ये लो ये लो ये लो। कुछ ईगल का भी है भाई, इज्जत से प्यार से देते हैं। ये लो भाई। चलो कलेजी भी डाल दिए मैंने और एक बोटी भी डाल देता हूँ और एक और बोटी भी डाल और एक और। चलो काफी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार हमने अभी अभी ना ब्लैकी को चिकन खिलाई है और बाकी वाली चिकन हम अपने ईगल को खिला देते हैं। हमारा जो ह्यूगो है उसको हम चिकन खिलाने वाले हैं। तो ह्यूगो हमारा दोस्तों उधर है और मुर्गी के साथ में लड़ रहा है। तो यार ये क्या है यार, नीचे क्यों आ जाता है ये? पता नहीं भाई। चलो भाई भाई इसका नाम चेंज करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने बताया था ह्यूगो लोग? नहीं तुमने खुद कहा था। मैंने कोई नहीं रखा था। अब गंदा रखा है, अपने अपने पे नहीं ले रहा। वीडियो देख लो, तुमने खुद कहा था। और मेरे हिसाब से इसका नाम जो है ना कोई किंग या इस तरह का कोई बादशाह इस तरह का होना चाहिए भाई। इसका नाम अभी हम रखते ही नहीं है, चुप करके अब इसको चिकन खिलाओ। चलो भाई। चलो यार आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ ना, बैठ जाओ ऊपर। चलो आ जाओ, चलो बाहर आओ, यहाँ पर तुम बैठ जाओ ऐसे और इसका खाना दो। चलो भाई ह्यूगो। ओए क्या खा रहा है यार, बड़ा पसंद है यार इसको चिकन। सारी बोटी खाना चाह रहा है एक साथ, लेकिन खा तो नहीं पाएगा, तोड़ तोड़ के ही खाएगा। यार बहुत ही शौकीन है हमारा ईगल वाइल्ड चिकन का, अब पता चल गया यार। तो इस तरह से यार हमारे ईगल चिकन खाएगा रोज और जल्दी से बड़ा हो जाएगा, और बड़ा जब होगा फिर उड़ने भी लग जाएगा इंशाल्लाह। यार मुर्गियां हमारी ब्लैकी की चिकन खा रही हैं, गंदी बच्चियां, ये गंदा काम कर रहे हैं यार। ये देखें खाली सारी एक दूसरे से छीन रही है। ये देखें पहले वो लेके जा रहा था, अब ये देखें सिल्की लेके भाग गया। ले आओ यार ब्लैकी को तो दे, और इनको दाना डालो यार अपना। ये लो जी ये लो। इतना फैला के क्यों डाल रहे हो? खुली खुली होती है ना, फिर आपस में लड़ते नहीं है इस वजह से फिर मैं। अच्छा 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 हाँ यार वैसे आराम से ही खा रहे हैं, कोई लड़ाई छड़ाई नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं हो रहा इनको। भाई थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है भाई, जानवर है इंसान थोड़ी है यार। हमारे नई चिकन तो बंद है, हमने देखा ही नहीं। ये देखें ये खोल लेते हैं, ये भी बाहर आएंगे और ये भी खाएंगे। चलो 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 चलो। सही है सही, जाओ जाओ जाओ। चलो ये इनके साथ घुल मिल जाएंगे ना जब, फिर इनकी दोस्ती हो जाएगी आपस में। यार कल की वीडियो के नीचे मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपने जो बीटा फिश के साथ में बाकी वाली मछलियां रख दी है ना, बीटा फिश इनको मारेगी। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे बीटा फिश और हमारी बाकी वाली मछलियां बिल्कुल ठीक हैं। और देखें बीटा फिश यहाँ पर आराम से जैसे पहले होती थी वैसे ही अपना आराम से रह रही है यहाँ पे, कोई मसला नहीं हो रहा बाकी वाली मछलियों का। यार ये हमारी यूनिफॉर्म यहाँ पर आके शोर क्यों करने लगी, अंडा देती है क्या सिप्तान? हो सकता है। अल्लाह करे यार यहाँ पर ही अंडा दे दे, यहाँ पर सामान। उई सिप्तान, उई यार अंडा खाया हुआ है मुर्गी ने, खा लिया, बल्कि दो अंडे खाए हुए हैं मुर्गी ने, खुद खाए होंगे। जी हाँ छह अंडे यहाँ पर थे। इनक्यूबेटर लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। हाँ टूटे हुए ये सारे। ये देखो अंडे, पागल। उई आवाजें, चूजों की आवाजें आ रही हैं यार, आवाजें सुनी थी? हाँ ये है, मैंने भी सुनी है। ये देखो यार क्रैक, क्रैक भी आया हुआ है भाई। ये बात क्या है यार? बस ये तो जल्दी निकल रहे हैं बहुत। यार खुशी के साथ साथ मुझे तकलीफ ये हो रही है कि इस मुर्गी ने अपने दो अंडे खा लिए हैं। लास्ट टाइम भी इसने एक अंडा खाया था और अब इसने एंड में आके दो अंडे खा लिए। यार बच्चे भी बने हुए थे, बहुत ही मुझे गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अभी अभी ईगल ने ना इतनी बड़ी छलांग लगाई, डायरेक्ट इधर वॉशरूम में गए और मुझे लगता है यही अंडे खा रहे। तो आप वो देखो, वो देखो, वो नहीं 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 नहीं, ये वाकई खाने आया है। मेरा शक सही था भाई। तो यार मैं इसको उठा लेता हूँ, अभी तो वैसे भी मुझसे डर गया, ये नहीं खा रहा। आ जाओ भाई आ जाओ, चलो आ जाओ भाई। मुझे तो कंफर्म है लेकिन तुराब अभी भी नहीं मान रहा किसने नहीं किया। तो भाई जिस चीज पे शक हो ना उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको अब बंद ही रखूंगा, यहीं पर ही रखेंगे इसको हम, मतलब इस पिंजरे के अंदर इसको आजाद नहीं करेंगे, यहीं पे इसको खाना दिया करेंगे। बैठो भाई अपनी जगह पे। चलो शाबाश जी, ठीक है अब ओके है। ये क्या लाए हो भाई? भाई हमारी बकरी बच्चे देने वाली है तो उसके लिए थोड़ी सी खिदमत तो बनती है ना। हाय हाय सही बात है। ये बीच में ये कहाँ से आ रहे हैं, फिर उसकी खिदमत करो ना, ये सारे क्यों आ रहे हैं? तुम आ जाओ। सही है ये, सही हो गया। हाँ जी अभी बाहर रहेंगे, उसकी खिदमत होगी। भाई ये काटो तो सही है, ऐसे कैसे खाएगी? रसगुल्ला है क्या यार? बनाने ना मुझे। वेरी गुड वेरी गुड।
और ये देखो केले ही खा रही है सारे, ये फैला दो। तो इन दोनों को बेचारों को आने दो, इनका क्या कसूर है यार, अब सारी ये थोड़ी खा पाएगी, आने दो कोई बात नहीं यार। और ये भी आ गए, इनको गाजर डाल लेते हैं यार खरगोशों को। शाबाश, आप भी ले लो। हाँ जी, वेरी गुड, ये लो आपका। यार मेरे ख्याल में बकरियां पालक नहीं खाती, तो मैं समझ रहा था कि ये खाती होंगी, तो इस वजह से मैं 1-2 किलो लेकर आ गया। बाकी मैंने कुछ दर्जन केले लिए थे, वो तो इन्होंने खा लिए, कुछ बचा भी लिए हैं। और गाजर वगैरह भी मेरे ख्याल में ये नहीं खाती शौक से, लेकिन यार खा रही है, पालक खा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये अब खा रही है, पहले इन्होंने फ्रूट्स खाए हैं और उसके बाद जब फ्रूट से पेट भर गया है, अब ये पालक खा रही हैं। ऐसे ऐसे करके यार सारी चीज़ें ये खा रही हैं, जो जो इनका दिल करेगा खाने का ये खाती जाएंगी और फिर अपना पेट भर लेंगी। हमारी ये वाली बकरी ना बच्चे देने वाली है, तकरीबन 5-6 दिनों तक ये दे देगी। मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब भाई कहते हैं, नहीं मारो यार, मुझे काफ़ी भाई कमेंट्स में कहते हैं कि भाई आपकी बकरी ना ये 5-6 दिनों तक बच्चे दे देगी। हम हाँ यार, हम सहन दिए हैं, फ्रूट दे सकते हैं इनको, क्या मतलब फ्रूट वाले तो? हैं जो रिजेक्टेड होते हैं ना, हाँ, उस तरह के बकरियों बकरियों को दे सकते हैं ये। टाल के देखो यार, खा रही है यार ये तो। यार ये फ्रूट थोड़े से खराब थे तो सिप्तान ने बोला कोई दे के गए, तो हमने यार इनको फिर रख दिया। अब माशाल्लाह काफी शौक से खा रही हैं, सब्जियां सब्जियां सारी यहाँ पर गिरा दो, तुम बाहर आ जाओ, चलो इनको खाने देते हैं मजे से। क्या बात है भाई साहब, देखे कैसे खा रही है यार। यार फाइनली हमारे शिजुका ने ना आज दूसरा अंडा दे दिया है, तकरीबन 5 दिन के बाद यार हमारे शिजुका ने दूसरा अंडा दिया। दूसरा अंडा पता है आपको कहाँ दिया? पहला तो इधर दिया और दूसरा अंडा मैंने सुबह जब देखा ना, इधर दिया हुआ था शिजुका ने। यार मैं खुद हैरान, उसने पहला अंडा उधर दिया, दूसरा इधर दे दिया। फिर मैंने क्या किया यार, वो अंडा उठा के ना फिर वहां पर रख दिया पहले अंडे वाली जगह पर। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे यार, मैंने अभी अभी देखा कि हमारा एक बच्ची ना मरा हुआ है। अब पता नहीं यार ये कैसे मरे, समझ नहीं आ रही यार। ओए आ जाओ यार। यार ये मेल बच्ची था, पता नहीं इन्होंने लड़ाई की आपस में या बीमार हुआ या अचानक मरा है, तो समझ से बाहर है यार क्या हुआ होगा पता नहीं इसको। अच्छा मर गया, कैसे? नहीं करो, इसको दफनाने। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अच्छा इसके इसके ऊपर चुटिया आ रही है, ये अभी मर गए बजी को, इसको मिट्टी नहीं आती। यार पहले हमारी ये वाली गंजी मुर्गी बीमार थी, मैंने इसको दवाई दी थी, अब बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन जो इसके साथ में दूसरी इसकी दोस्त थी, अब ये वाली बीमार हो गई है। जो दवाई मैंने उस वाली गंजी मुर्गी को दी थी, इसको भी मैंने वहीं सेम टू सेम दवाई दी है। बस दुआ यही कर रहा हूँ कि यह जल्दी से ठीक हो जाए। ये मेरे बहुत ही फेवरेट मुर्गियाँ हैं यार, छोटे से चिक्स थे जब हम इनको लेकर आए थे सेटअप पर, अब माशाल्लाह बड़ी मुर्गियाँ बन गई हैं। इनको कुछ ना हो बस, यार इनको वापस बंद कर दो सिप्तान। सिम्बा सिम्बा जाओ यार, बहुत ही खा लिया इन्होंने, अब इनको बंद करना चाहिए हमें। यार हमारी बकरियों ने जो खाना बचाया ना, सारी मुर्गियाँ रैबिट्स वगैरह यहाँ पर आके वो सारा का सारा खा रहे हैं। बकरियों का तो पेट फुल हो गया, अब हमारी रैबिट्स और मुर्गियाँ यार बकरियों का खाना खा रही हैं। तो खैर यार, ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में दयात को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।